महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय कैंपस में डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती माह में स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत, आज का भारत पर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल एवं प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आरपी सरोज ने कहा। आरपी सरोज, अपर महानिदेशक पीआईबी बीओआरओबी और प्रभारी दूरदर्शन लखनऊ। आज की यह प्रदर्शनी की जो मुख्य विषय है स्वच्छ भारत, सशक्त भारत और बापू जी के सपनों का भारत तथा आज का भारत। बापू जी ने जो सपना देखा है उसको आज वर्तमान सरकार किस तरीके से पूरा कर रही है वो इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ये पूरी तरीके से डिजिटल प्रदर्शनी है और इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर भी आरओबी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है, 23 तारीख से 27 तारीख चलेगी और मुझे गोरखपुर की जनता से अपील है कि वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर देखें और इससे लाभ उठाएँ। इस प्रदर्शनी में पूरी तरीके से गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। पूरे देश के नेताओं का क्या गांधी जी के बारे में क्या कहना है, कचरा का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ये भी डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है और इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएँ हैं उसको भी जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया इस प्रदर्शनी के माध्यम से। कुल मिला करके ये प्रदर्शनी एक तरीके से पूरा गांधी जी के व्यक्तित्व कृतित्व और सरकार की योजनाओं का पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास इस प्रदर्शनी में किया गया है। बहुत अच्छी तैयारी की गई है और बहुत अच्छे उद्देश्य से की गई है। देश को आज़ाद हुए 70 साल गुजर गए और अब देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का नाम तो सुना है लेकिन गांधी जी के बारे में वास्तव में जानते नहीं हैं। उनके विचार क्या थे, उनके सोच क्या थे, उनके जीवन मूल्य क्या थे, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कैसा था, इस देश के लिए क्या सपने देखते थे वो, किस प्रकार की अर्थनीतियाँ चाहते थे वो, उनके ग्राम स्वराज्य का मतलब क्या था, स्वदेशी की अवधारणा का मतलब क्या था, वो जिस आध्यात्मिक भारत की कल्पना करते थे, राम राज्य की कल्पना करते थे, उसका अर्थ क्या था। देश के अधिकांश नागरिक अब इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ कि 70 साल की इस राजनीति में गांधी नाम के मुख्य प्रधानमंत्री तो बहुत आए लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी तक उस नाम को पहुंचने नहीं दिया। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की उपलब्धियों को बताते रहे और इसलिए 2014 के बाद से एक अभियान के रूप में इस बात को लिया गया कि अगर हमें खोया हुआ भारत पाना है
तो उस खोरे हुए भारत को पहले खोया हुआ गांधी खोजना पड़ेगा। हम गांधी की निगाहों से देखेंगे तो भारत को देख पाएंगे, गांधी के सपनों को उतारने का प्रयास करेंगे तो गांधी के भारत को साकार कर पाएंगे। और इसलिए सरकार ने इस बात का लक्ष्य निर्धारित किया कि हम अपनी सारी योजनाओं में गांधी मूल्यों को आत्मसात करेंगे और पूरे कार्यकाल के दौरान नागरिकों को जागृत करके गांधी के बारे में, गांधी के विचारों के बारे में, चरित्र व्यक्तित्व के बारे में, घर घर तक उनके बारे में कहानियाँ पहुँचाएँगे। हमारी अपनी सरकार की सारी नीतियाँ गांधी जी के विचारों की नीतियाँ हैं। गांधी जी अंत्योदय की बात करते थे और हम भी गरीबों के घर रसोई कैसे पहुँचे, उनका घर कैसे बने, उनको बिजली कैसे मिले, उनको सस्ता अनाज कैसे मिले, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले, बीमार पड़ने पर उनका इलाज कैसे हो, हमारी भी चिंता का विषय वही है जो गांधी जी की सोच थी। तो हम अपने कर्म से उस बात को पहले से ही कर रहे हैं, वाणी से करने का प्रयास, मन से करने का प्रयास, जिससे कि हम मनसा वाचा कर्मणा गांधी को इस देश में स्थापित कर सकें। इस योजना से यह कार्यक्रम है।